नॉर्मली अगर देखा जाए तो वेजाइना में इचिंग होने के एक दो रीजन होते हैं। पहला, जब आपको पीरियड आ रहा है तो पैट की रगड़ लगती है, उससे इचिंग होता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है उसके कारण भी इचिंग होने लगती है। तीसरा, प्रेगनेंसी के कारण भी, जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस टाइम भी इचिंग होने लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उस कारण भी आपके वेजाइना में इचिंग होने लगती है। और चौथा ये है कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और आपने उस एरिया को क्लीन नहीं करके रखा हुआ है, तो उस कारण भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके वेजाइना में इचिंग हो रही है, यानी कि खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ऐसा क्या लगाएं वहाँ पे कि वो प्रॉब्लम सही हो जाए, खुजली की प्रॉब्लम सही हो जाए। मैं आपको कोई क्रीम या कोई पाउडर नहीं बताऊंगी, या कोई इंटीमेट वॉश वगैरह कुछ भी नहीं बताने जा रही हूँ। मैं आपको देसी नुस्खा बताने जा रही हूँ, घर में ही आपके अवेलेबल होगा। और जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता वो चीज़ आपके घर में अवेलेबल ही ना हो। कॉमन सी चीज़ है जो सबके पास रहती ही रहती है। तो नुस्खा बताऊँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेजाइना में इचिंग होना नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण जब हम बार बार टॉयलेट करते हैं तो उसके कारण भी हमारे वेजाइना में इचिंग होने लगती है। और ये बात सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के साथ नहीं है, जो नॉर्मल गर्ल्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। वेजाइना में इचिंग होना नॉर्मल है, स्पेशली जब आपका पीरियड का टाइम आता है उसके बाद जो वेजाइना में इचिंग होती है वो नॉर्मल है, क्योंकि आप 3-4 दिन तक लगातार पैड यूज़ कर रहे हो, तो उस पैड की रगड़ से भी आपके वेजाइना में इचिंग होने लगती है। तो आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे इंटीमेट वॉश आ रहे हैं, आप उसको यूज़ करते हो, कई कई तरह की क्रीम यूज़ करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, उसको लगाने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। उसको लगाओगे तो आपको कोई भी क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ वो हर उम्र की लेडीज़ कर सकती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में वेजाइना के पास क्रीम या पाउडर लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप वो प्रेगनेंसी के टाइम में लगाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो सबके लिए है, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए नहीं है। अगर आप गर्ल्स हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए भी है, जो मैरिड है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए भी है। सो मेरा जो ये नुस्खा है, ये घी का नुस्खा। अगर आपको वेजाइना में इचिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, वेजाइना को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वेजाइना को क्लीन करने के लिए आप इंटीमेट वॉश यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करो, यानी कि हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ करो वॉश करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल वाटर यूज़ करो वॉश करने के लिए। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद उस एरिया को अच्छे से ड्राई कर लो। अगर आप गीला छोड़ोगे तो स्मेल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो गीला मत छोड़ो, उसको अच्छे से ड्राई कर लो टॉवल से। बाद उस एरिया पे आप देसी घी लगा लीजिए। आप देखेंगे कि जो इचिंग हो रही है आपको वेजाइना में, वो इचिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखेंगे तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो एक दिन में 5 या 6 बार आप घी लगा लीजिए। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा घी लगाना है, हल्का सा घी आप लगा लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। और एक दिन में अगर आप चाहें तो 4 या 5 बार घी लगा सकते हैं, आप देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। बल्कि आप एक काम भी कर सकते हैं, जब आपके पीरियड आते हैं, ठीक है, पीरियड आते हैं, जब आप पैड लगाते हो, पैड लगाने से पहले अपने वेजाइना में घी लगा लीजिए, उसके बाद ही पीरियड के टाइम पैड यूज़ करिए। उससे क्या होगा, जब आप पैड यूज़ करते हो तो पैड की रगड़ लगती है और उस रगड़ के कारण भी आपके वेजाइना में इचिंग हो जाती है। लेकिन आप पहले से ही घी लगा के रखोगे तो रगड़ के कारण जो इचिंग वाली प्रोसेस है ना, वो रुक जाएगी, वो कम हो जाएगी, और आपको इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। कई बार पीरियड आता है, एक तरह से देखा जाए तो उसको गंदा खून ही कहते हैं, शरीर से गंदा खून ही निकल रहा है, उसके कारण भी आपके वेजाइना में इन्फेक्शन का डर रहता है, इचिंग का डर रहता है।
लेकिन आप जितनी बार भी पैड चेंज कर रहे हो उतनी बार आप उस एरिया को वॉश करके एक बार घी लगा लीजिए, उसके बाद ही पैड लगाइए, तो आप देखेंगे ना आपको गंदी स्मेल आएगी और ना ही इन्फेक्शन का डर होगा, साथ के साथ आपको बिल्कुल भी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपके पीरियड भी ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद भी आपको ऐसा फ्रेश फ्रेश फील होगा आप, और इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहती कि घी लगा के इचिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन हाँ जब भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप घी लगा लीजिए और तुरंत आराम मिल जाएगा। बाजार की क्रीम या पाउडर आप कुछ भी लगाओगे नुकसान तो करता ही करता है, लेकिन अगर घी लगाओगे, घी तो आप खाते हो, घी तो आपके बॉडी के अंदर भी जाता है, घी से तो मालिश भी होती है, तो अगर आप सोचिए अगर आप उस एरिया में घी लगाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, है ना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को तो पता ही है मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती ही हूँ। सो कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।